वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके सोनियास किचन। चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है हमारी अचारी चना पुलाव। अचारी चना पुलाव बनाने के लिए हमने सफ़ेद छोलों को 5-6 घंटे पानी में भिगो दिया और 2 विसल उसकी लगवा ली और हमें चने को हल्का सा ऐसे सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। 2 टमाटर लिए हैं और अदरक और हरी मिर्ची का हमने पेस्ट लिया है और कुछ साबुत मसाले लिए हैं, 2 तेजपत्ता, 2 हरी मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 1 मोटी इलायची और 10-12 दाने काली मिर्च के। हमने चावलों को 20 मिनट पानी में भिगो रखा था। अब चावलों को हम अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार धो लेंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हमने कुकर में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे सारे। इसको भी हल्का सा भूनेंगे मसालों को। अब हम इसमें अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। अब हमने 1 साबुत मिर्च लिया है और इसको ऐसे 2 टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब हम इसमें टमाटर जो हमने काट के रखे थे डाल देंगे। इसे पक गए हैं। अब हम इसमें छोले डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे और इसको भी ऐसे मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इन सभी मसालों को छोले के साथ अच्छे से भून लेंगे। छोले भी अच्छे से भून गए हैं मसाले के साथ। अब हम इसको चावल जो हमने धो के रखे थे इसको भी डाल देंगे। अब हम चावलों को मसाले के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हमने आम का अचार लिया है और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास आम का अचार ना हो तो आप मिर्ची का अचार भी डाल सकते हो। अब हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और इसको भी ऐसे अच्छे से चावलों के साथ मिक्स कर देंगे। अब हमने 1 गिलास चावल लिए थे और 2 गिलास हम पानी डालेंगे। अब हम 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको चावलों को अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे, इसको भी अच्छे से चावलों के साथ पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 1 सीटी आने के बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम कुकर का की सीटी हमारी खुल गई है। अब हम चावलों को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे चावल बनकर रेडी हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। तीन चम्मच धनिया पत्ती डाल देते हैं जो हमने धो के कट करके रखी थी और इसको अच्छे से चावलों के साथ मिक्स कर लेते हैं। हमारे चावल बनकर रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमने इसको एक प्लेट में सर्व कर लिया। गार्निश के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।